टाइम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन डोनट। इसके लिए मैंने 400 ग्राम बोनलेस चिकन ले ली हूँ। इसमें एक मिक्सी जार में डाल दूंगी। हरा धनिया ऐड करेंगे हम एक मुट्ठी, और एक आधा प्याज वो ऐड कर देंगे। एक नींबू का रस ऐड करेंगे। हरी मिर्ची का पेस्ट आधा चम्मच, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, सोया सॉस ऐड करेंगे हम आधा चम्मच इतना सोया सॉस, रेड चिली पाउडर एक चम्मच, और एक चम्मच ही हम ऐड करेंगे चिकन मसाला, और नमक ऐड करेंगे हम टेस्ट के हिसाब से, और इन सारी चीज़ों को हम पीस लेंगे बारीक, पीस के पेस्ट बना लेंगे। चिकन और मसालों को मैंने पीस ली हूँ। अभी उसमें मैं चीज़ ऐड करूँगी। एक क्यूब मैंने चीज़ ली थी, उसके क्रश कर ली, उसमें ऐड कर दूँगी, और चार चम्मच ब्रेड क्रम ऐड कर ली हूँ। अगर आपके पास ब्रेड क्रम नहीं और अक्का ब्रेड है तो चार स्लाइस ब्रेड का ऐड कर दें। अच्छे से हम मिक्स करेंगे, अच्छे से हमें मिक्स करना है। एक चम्मच जितना मैं ऑयल ऐड कर दूंगी, और इसे भी अच्छे से साथ में मिक्स कर दूंगी। अच्छे से हमें मिक्स करना है। बहुत ही आसान रेसिपी, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। और इसे हम बना के रख स्टोर करके रख भी सकते हैं, 15-20 दिन के लिए, महीने के लिए हम स्टोर करके रख भी सकते हैं फ्रिज में। चलिए हम डोनट बना लेंगे। तो एक ढक्कन ली हूँ मैंने, उसमें ऑयल लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम ढक्कन में इस तरह से हम ले लेंगे। फिर एक बोतल का ढक्कन लेके हम इस तरह से हम इस तरह से इस शेप में हम बना लेंगे। और एक ऐसे हम हाथ से भी बना सकते हैं इस तरह से। जैसा हम मेंदू वड़ा बनाते हैं ना, उस तरह से भी हम बना सकते हैं। जो आपको इजी लगे आप उस तरह से आप डोनट के शेप में बना ले सकते हैं। इसी तरह से मैं सारे डोनट तैयार कर लूँगी। सारे डोनट मैंने रेडी कर ली हूँ। अभी मैं इसे फ्रिज में रख लूँगी सेट होने के लिए। चलिए हम डोनट फ्राई कर लेंगे। तो मैंने फ्रिज में रखी थी, तो इस तरह से हार्ड हो गए थोड़े, तो हमें तलने में और आसानी रहेगी। तो मैंने फ्राई करने के लिए दो अंडे ली हुई थी, उसको फेंट के काली मिरी और नमक ऐड कर ली थी, और ब्रेड क्रम ले ली हूँ। तो पहले हम अंडे में डिप करेंगे इस तरह से, और फिर ब्रेड क्रम में अच्छे से चारों तरफ से हमें अच्छे से ब्रेड क्रम लगाना है। अच्छे से ब्रेड क्रम इस तरह से हम लगाएंगे। सारे डोनट को हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। इसी तरह से हम सारे डोनट हम रेडी कर लेंगे।
पहले अंडे में डिप करेंगे फिर ब्रेड क्रम में। इस तरह से, और इस तरह से हम स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रिज में, ब्रेड क्रम और अंडा लगा के इस तरह से हम फ्रिज में भी रख सकते हैं, 15 से 20 दिन तक भी रख सकते हैं। सारे डोनट मैंने रेडी कर ली हूँ, चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। एक एक करके हम फ्राई कर लेंगे इस तरह से। अच्छे से हम इसे फ्राई होने देंगे एक तरफ से। गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे, फास्ट नहीं रखना है क्योंकि हमारा कीमा है वो कच्चा है चिकन, तो पकने के लिए हम स्लो आंच पे ही पकाएंगे, गोल्डन फ्राई कर लेंगे हम इसे। डोनट हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसे मैं निकाल लूंगी और ऐसे ही सारे डोनट फ्राई कर लूंगी। तैयार है हमारे चिकन चीज डोनट। कैसी लगी रेसिपी आप लोग ज़रूर बताना। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर करना नए हो तो, और अपनों में फैमिली में शेयर करना, और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।